दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपनी YouTube जर्नी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। बताऊंगा कि कैसे एक छोटे से टॉपिक ने मुझे $600 का रेवेन्यू जनरेट करके दिया और उसके साथ साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर भी गेन करके दिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब भी कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, तो कुछ टॉपिक ऐसे ज़रूर हमें मिलते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर मिलती है जिनका सलूशन तो हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम जब ये सोचते हैं ना कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए या ना बनाया जाए, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं कि नहीं, ये कोई टॉपिक इतना कोई खास है नहीं, ये यूट्यूब पे इतना चलेगा नहीं, तो इसको साइड में कर दो। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद शायद आप लोग ऐसा ना करें। अपने दो वीडियो का आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और उनकी मेहनत भी बताऊंगा कि कितनी मेहनत जो है वो मुझे उन वीडियो में लगी थी दोनों में, और उनके रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो किस वीडियो ने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया, कितने व्यूज़ जो है वो मुझे ला के दिए हैं। और आई होप कि जितने भी लोग यूट्यूब पर अभी चाहे स्टार्टिंग स्टेज में हो या फिर ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, इस वीडियो से उनको कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को ज़रूर मिलेगा। मैं अपने इस चैनल पर इस तरीके का कॉन्टेंट जो है वो लेके आता रहता हूँ, जो कि आपके YouTube की ग्रोथ के लिए जो वो हेल्पफुल हो। जितना भी मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेस पे जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो इस चैनल पे मैं शेयर करता रहता हूं। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का कंटेंट जो है वो अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको लाइक करके ज़रूर जाना, और हो सके तो एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं उन दोनों वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। देखिए अभी मैं अपने एनालिटिक्स में हूँ और ये एक ऐसा वीडियो है जो कि मैं ऑफिस से आया और मैंने सोचा कि यार अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करना है। काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड किए। मैं अपने चैनल पे उस टाइम जो है वो डेडिकेटली इतना काम नहीं करता हूँ, इवन कि अभी भी इतने डेडिकेशन से काम नहीं कर पाता हूँ। तो देखिए ये वीडियो जो है वो टीवी खरीदने की अगर सोच रहे हैं तो टॉप 5 फीचर जो है वो क्या होने चाहिए, इसके बारे में मैंने पहले गूगल पे पढ़ा कि क्या चीज़ें जो होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। और फिर इस वीडियो को उस टाइम इतना एडिटिंग भी नहीं पता था कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया था रिसर्च करने में और उसको एडिट करने में बैठा था रात को तकरीबन 9-10 बजे और सुबह मुझे 4-5 बज गए थे। बाहर जो है वो चिड़ियाँ चहचहाने लग गई, तब जो कि रियलाइज़ हुआ कि यार बैठे बैठे तो सुबह भी हो गई। तो बहुत मतलब ये कहूँ कि मैं अपने इस चैनल पे अगर किसी वीडियो में मेहनत की बात करूँ तो ये एक ऐसा वीडियो है जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था इस पूरे चैनल पे। तो अब जाके इसके एनालिटिक्स आपको दिखाता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि लोगों को ये पसंद नहीं आया या इसका थंबनेल नहीं अच्छा था, और इवन मैंने इसका थंबनेल भी चेंज करने की कोशिश नहीं की। तो देखिए एनालिटिक्स देख के आपको भी थोड़ी हैरानी होगी और थोड़ा मतलब शर्म सी भी आ रही है बताते हुए कि देखो यार कि 135 व्यू हैं इस वीडियो पे और $0.03 का रेवेन्यू जनरेट करके दिया इसने। हालांकि एवरेज परसेंटेज व्यू जो है वो 46% था, अच्छा था, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों जो है वो ये आगे चला नहीं। मे बी इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उस टाइम जो है वो मैं इतना फ्रिक्वेंटली वीडियो अपलोड नहीं करता था, इवन आज भी नहीं कर पाता हूँ यार, बहुत सारे रीज़न इस चीज़ के, और अपने बिजी शेड्यूल में जो इतना टाइम निकाल पाना थोड़ा टफ हो जाता है। अब देखिए दूसरा वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि दूसरा वीडियो बनाने का कैसे जो है वो मुझे आइडिया आया। खाना खा रहा था ऑफिस से आने के बाद, खाना खाने बैठा, अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था, पता नहीं क्या बात चल रही थी क्या नहीं, तो उससे रिलेटेड जो है वो मैंने 3-4 दिन पहले फेसबुक पे कोई वीडियो देखा हुआ था। तो मैंने अपने उस फ्रेंड को बोला कि ठीक है मैं तुझे अपना एक वीडियो शेयर करता हूँ जो कि मैंने 3-4 दिन पहले फेसबुक पे देखा था। मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और उस वीडियो को फिर सर्च करता तो कैसे करता, क्योंकि फेसबुक पे ऐसा कोई फीचर मुझे ढूंढना था कि जिससे अगर 3-4 दिन पहले कोई वीडियो देखे हैं तो उसको कैसे ढूंढें। यूट्यूब पे सर्च किया कि यार हिस्ट्री अगर कैसे सर्च करनी तो कैसे करूं, यूट्यूब पे किसी ने भी ढंग से इस पे वीडियो नहीं बनाया हुआ था। देन गूगल किया मैंने, और गूगल पे जैसे फेसबुक की कोई ऑफिशियल जैसे इनकी वेबसाइट है उनके आर्टिकल पढ़े और वहाँ से जो है वो मुझे कुछ ऑप्शन मिल गए जिनके थ्रू मैं उस वीडियो तक पहुँच पाया और उस फ्रेंड को मैंने वो वीडियो शेयर कर दिया। देन आई रियलाइज़ कि ये टॉपिक जो है वो हो सकता है यार कि मैं अपने YouTube पे डालूं, बहुत सारे लोगों को मे बी जैसे मैं आज प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, मुझे ये वीडियो ढूंढना था और मुझे नहीं मिला। बहुत सारे लोग ऐसे सर्च करते होंगे, उनको भी नहीं मिलता होगा। फिर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर सोचा यार कि छोड़ दो यार, इस पे वीडियो नहीं बनाना, शायद ये नहीं चलेगा, क्योंकि एक यूट्यूबर जो होता है ना थक चुका होता है कॉन्टेंट बनाते बनाते और उन चीज़ों को इग्नोर कर देता है जो कि शायद चल जाएंगी। 2 दिन जो है वो मैंने मतलब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 3रे दिन ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन 3-4 दिन पहले जो टॉपिक सोचा हुआ था फेसबुक पे जो वीडियो ढूंढा था उसी के ऊपर जो है वो वीडियो डाल दो। यकीन करिए मुझे उस वीडियो को बनाने में आधा घंटा भी नहीं लगा था। फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी थी, वॉइस ओवर करना था, ऑप्शन बताने थे, और रिसर्च जो थी वो आधा घंटा मैंने पहले कर ली थी उसके ऊपर।
तो तकरीबन 1 घंटे का टाइम लगा था इन दोनों चीज़ों को, मतलब पढ़ने में और जो है इस वीडियो को अपलोड करके, मतलब एडिट करके अपलोड करने में, और उसके रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये वो फेसबुक का वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू फाइंड फेसबुक वॉच्ड वीडियो हिस्ट्री, कि आपको फेसबुक की हिस्ट्री कैसे ढूंढनी है। तो इसके एनालिटिक्स आपको दिखाता हूँ अब आपको। ये तो हैं पिछले 28 दिन के, इस वीडियो को बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, जिसका लाइफ टाइम जो है वो मैं दिखाता हूँ। 7,32,000 जो है वो व्यूज़ इस चैनल, इस वीडियो ने मुझे लाके दिए हैं, और 1,500 जो है वो सब्सक्राइबर दिए हैं, और रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि $267 का इसने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। ये उस टाइम की बात है यार कि जब मेरा चैनल जो है वो इनिशियल स्टेज पे था, कोई भी वीडियो जो है वो इतना काम नहीं करता था। फिर देखिए इस वीडियो ने अभी तक इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे दिया है, बैठे बिठाए इतना आ जाए तो क्या दिक्कत है आपको, कोई ज़्यादा एफर्ट तो नहीं लगे। अभी वीडियो में बने रहिएगा, इसके साथ अगली जर्नी भी बताऊंगा। ये तो इन दो वीडियो का कंपैरिजन आपको बता दिया मैंने, लेकिन देखिए जब एक बार चीज़ जो है वो हिट कर जाती है, अब इसके कमेंट बताता हूँ मैं आपको। देखिए कितने सारे लोग जो हैं वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बुरा भला भी बोलते हैं, वो भी सहना पड़ता है यूट्यूब पे, मे भी होगा कोई एक आधा ऐसा यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे जो कमेंट हैं वो अच्छे ही कमेंट थे। और फिर यहाँ पर लोगों को क्या प्रॉब्लम आई कि देखिए कुछ टाइम बाद जो क्या होता है कि फेसबुक अपने इंटरफेस को चेंज कर देता है, ऐप को अपडेट कर देता है, तो जो फीचर होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। अब लोग क्या कह रहे थे कि यार हमें ये ऑप्शन मिल नहीं रहा है, 1 साल या 1.5 साल बाद जो होता है वो चेंज हो गया डिज़ाइन। तो मैंने फिर से ढूंढा, फिर से रिसर्च की, तो मुझे फिर नेक्स्ट टॉपिक मिल गया, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया कि अब जो है वो 2020 में जब नया अपडेट आया था, तो अब जो है वो कैसे जो है इस ऑप्शन को आप फिर से कैसे ढूंढ सकते हैं। ये वीडियो मैंने बनाया, इसके एनालिटिक्स आपको दिखाता हूँ। इस पे 2,42,000 व्यूज़ आ चुके हैं, और देखिए $230 जो है वो रेवेन्यू इसने भी मुझे जनरेट करके दिया है। इसके बाद हुआ ये, कुछ टाइम बाद इसका बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हिस्ट्री तक तो पहुंच जा रहे थे वो, लेकिन उस वीडियो पर टैप करने के बाद उसको प्ले नहीं कर पा रहे थे। मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, तो मुझे ये प्रॉब्लम का पता नहीं था, लेकिन जब लोग आपके वीडियो को देखते हैं तो जो प्रॉब्लम आती है वो आपके कमेंट में ही आपको मिल जाती है, और उनका सोल्यूशन आपको ढूंढना होता है। मैंने एक और वीडियो बनाया कि आप जो वीडियो ढूंढते हैं उसको प्ले कैसे करना है, इसका एनालिटिक्स भी आपको दिखाता हूँ। इस पे 57,000 व्यूज़ हैं, और $160 जो हैं वो इसने मुझे कमा के दिए हैं। तो अब बात करते हैं, देखिए एक तरफ मैं कितनी रिसर्च की, टीवी वाले वीडियो को बनाने में एडिट किया और रिज़ल्ट क्या मिले आपने देखा ही है, और एक तरफ एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर ना एडिटिंग में कोई मेहनत लगी है मुझे, और ना ही मैं कहूँ कि रिसर्च में इतना कोई मैंने ध्यान दिया है। मेट्रो में सफ़र करते करते फ़ोन पे ऐसे ऑप्शन ढूंढते ढूंढते जो मुझे इनका सलूशन मिल गया, और इनके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया, और आप इनके सब्सक्राइबर भी देखिए, सब्सक्राइबर भी इन्होंने अच्छे दिए हैं, जैसे 400 दिया है, 1,500 दिए हैं, तो अच्छा जो है वो रिज़ल्ट इस टॉपिक ने मुझे करके दिया है। तो ये इस वीडियो में था, और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको भी कुछ मोटिवेशन मिले, और आप इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग ना करें जब भी कोई वीडियो बनाएं। जो भी सलूशन आपको मिलता है किसी भी चीज़ के ऊपर, उसको इग्नोर मत करिए, उसको अपलोड करिए, क्या पता आपकी चीज़ जो वो वायरल हो जाए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और इस तरह का कॉन्टेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।